अगली खबर बांदा से है। बैंक कर्मियों के द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान किया गया था, जिसके तहत जनपद के कुछ बैंक बंद रहे, वहीं कुछ बैंक खुले भी रहे, लेकिन कर्मचारी वर्ग की हड़ताल के कारण पूरी तरह बैंकों का कार्य बाधित रहा। सिटी मजिस्ट्रेट केशवनाथ गुप्ता के द्वारा कई बैंकों को खुलवाया गया। आपको बता दें कि जिला अधिकारी अनुराग पटेल के आदेश अनुसार सिटी मजिस्ट्रेट केशवनाथ गुप्ता, सीओ सिटी राकेश कुमार सिंह पुलिस फोर्स के साथ शहर के विभिन्न बैंकों पर जाकर बैंकों का कार्य जारी करवाने का प्रयास किया गया। कालूकुआ स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अधिकारी द्वारा बताया गया कि क्लॉक यूनियन की हड़ताल के कारण क्लर्क से संबंधित सारे कार्य बाधित हैं। उसके अलावा जो ऑफिसर वर्ग हैं वह सभी अपने कार्य में लगे हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के केशवनाथ गुप्ता के द्वारा बताया गया कि दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण कर्मचारी वर्ग के द्वारा बैंकों का कार्य बाधित करने का प्रयास किया गया था। अधिकारी वर्ग हड़ताल में नहीं है, इसलिए बैंक खुले हुए हैं और बैंक का कार्य जारी करा दिया गया है। बैंकों के बाहर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। नहीं, बैंक खुला है, ऑफिसर्स यूनियन की हड़ताल नहीं है, क्लर्कल यूनियन की हड़ताल है, तो क्लर्क से रिलेटेड सारे काम बंद है। बाकी ऑफिसर अपना काम जो हो सकता है वो लोग अपना सुचारू रूप से करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आम पब्लिक के काम होंगे, आम पब्लिक के जो भी काम फाइनेंशियल्स हैं, जो पैसे से लेन देन जो क्लर्क के उसके हो सकते हैं वो नहीं होंगे। क्लर्क के अलावा जो भी काम है, RTGS हो गया, NEFT हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, वो सारे काम होंगे। कर्मचारियों का दो दिवसीय हड़ताल है और कुछ कर्मचारियों के द्वारा बैंक के कार्यकाज को बंद करके प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। बैंक के का अधिकारी संवर्ग हड़ताल पे नहीं है, उन्हें प्रशासन के द्वारा पूरी सुरक्षा दी गई है और बैंक खुले हुए हैं।